आज हम पढ़ने वाले हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल की आरसीसी ड्राइंग में उसे कैसे बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि फिगर में हमारा कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल बना है। तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल पढ़ने से पहले हमें कुछ रिटेनिंग वाल के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इसको आसानी से समझकर जल्दी से अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए रिटेनिंग वाल, ये हमारा रिटेनिंग वाल देख रहे हैं कि आप जो लकड़ी का बना है, ये हमारा रिटेनिंग वाल है। रिटेनिंग वाल इसलिए प्राय बनाए जाते हैं कि ताकि दो सरफेस के बीच स्लाइडिंग ना हो, या एक सरफेस आगे पीछे ना खिसके। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा रोड है, बालू वाला बालू है, एक सरफेस है, और यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि मिट्टी है, इस पर घास है। तो ये अब ऊंचाई पे है, ये हमारी ऊंचाई पे है। तो अगर ये रिटेनिंग वाल नहीं बनी होती तो ये हमारा आगे आ जाता, इसलिए हमारा ये लकड़ी का रिटेनिंग वाल बना दिया, जिससे कि ये आगे नहीं आ पा रहा है। अब रिटेनिंग वाल देखते हैं हम मेनली कितने प्रकार के हैं। रिटेनिंग वाल वैसे पांच प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम तीन प्रकार के ही पढ़ेंगे। पहला होता है हमारा ग्रेविटी रिटेनिंग वाल, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। अगला हमारा होता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल। इसके आगे होता है हमारा काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वाल। अब इसका हम देखें कैसे रियल लाइफ में यूज होता है। तो पहला है ग्रेविटी रिटेनिंग वाल, तो देखिए इसका यूज, ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये है हमारा ग्रेविटी रिटेनिंग वाल। ये देखिए आप, मृदा भरा है इधर। दूसरा आता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल, इसका यूज आप देख सकते हैं यहाँ। तीसरा हमारा आता है काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वाल। काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वाल कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल की इतर होता है, लेकिन इसकी वाल की ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है, अर्थात 6 मीटर से जब अधिक होता है तो ये हम इंक्लाइंड वाल बना देते हैं, तो ये हमारा काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वाल हो जाता है। आगे देख सकते हैं कि ये काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वाल का कैसे यूज है। अब रिटेनिंग वाल तो हम जान गए कितने टाइप के होते हैं, अब लेकिन रिटेनिंग वाल में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, उसको हम समझ लें, ताकि जब कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल बनाना हो तो डाटा दिया हो तो उस डाटा का मतलब हम समझ सकें। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि आप, ये हमारा जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल है, तो इसमें जो हमारा वाल है, जो वर्टिकली है, वो हमारा वाल है, वो उससे बोलते हैं स्टेम, और स्टेम के जो आगे साइड है वो हमारा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है, जबकि जो हमारा अंदर वाला है उधर कुछ फीलिंग होता है, मतलब फील कुछ भरा होता है, जैसे मिट्टी पानी कुछ भी भरा हो सकता है। अब देख सकते हैं कि यह जो वाल है किसी एक स्लैब पर खड़ा है, देख सकते हैं आप रेक्टेंगुलर स्लैब देख रहे हैं, इस पर खड़ा है। तो इस स्लैब को हम बोलते हैं बेस स्लैब। बेस स्लैब जो हमारा मेनली होता है दो प्रकार का होता है। बेस स्लैब हमारा दो पार्ट में बट जाता है, पहला आता है टोय स्लैब, दूसरा आता है हिल स्लैब। ये देखिए जो यहाँ से इतना है, ये हमारा टोय स्लैब है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारा हिल स्लैब है। और ये जो हमारा स्लैब होता है वो प्राय मिट्टी के अंदर दबा होता है, या जो भी सरफेस होता है उसके अंदर दबा होता है। आप देख सकते हैं एक सरफेस यहाँ, एक सरफेस यहाँ, तो इन्हीं के सरफेस के इमोशन ना करे, इसीलिए रिटेनिंग वाल बनाया गया है। अब आइए हम सीखते हैं कि कैसे कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल की ड्राइंग आरसीसी में बनाई जाती है। तो ये रहा हमारा कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल। तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल बनाने से पहले हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर डाटा दिया होता है। तो जैसे कि हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ है, ये हमारा रहा क्वेश्चन। इसमें दिया है कि स्टेम की चौड़ाई, जो आप स्टेम बताए थे उसकी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, स्टेम की निचली चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, टो एवं हील की मोटाई 40 सेंटीमीटर, या बेस स्लैब, उसमें दिया कि बेस स्लैब की मोटाई 40 सेंटीमीटर है। फिर दिया है स्टेम स्लैब की ऊपरी ऊंचाई 3.5 मीटर, टो की लंबाई 0.8 मीटर, हील की लंबाई 180 सेंटीमीटर, आधार स्लैब की चौड़ाई 3.1 मीटर। यदि हमें आधार स्लैब की चौड़ाई नहीं दिया होता है तो वह टो प्लस हील प्लस स्टेम की जो निचली चौड़ाई होती है उन तीनों के योग के बराबर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 0.8 मीटर, 0.5 मीटर
और 1.8 मीटर, इन दोनों को जोड़ोगे तो आप 3.1 मीटर आएगा। अब इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल बनाने के लिए हम इसका बेस स्लैब बनाएंगे। तो बेस स्लैब बनाने के लिए सबसे पहले दिया था हमारा क्वेश्चन में कि आधार स्लैब बेस स्लैब की चौड़ाई कितनी है। तो बेस स्लैब की देखिए हमारी चौड़ाई पहले बनाएंगे। तो अब कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले हमें स्केल मानना होगा। तो स्केल इसमें हम लिए हैं 1/25, इसमें हम स्केल 1/25 लिए हैं। तो आप हम जो भी आपको डाटा बताएंगे वो आप स्केल पर चेंज करके ही ड्राइंग में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा दिया था क्वेश्चन में कि आधार स्लैब की चौड़ाई 3.1 मीटर है। तो इसको हम स्केल पर चेंज कर लेंगे और ये एक लाइन खींच देंगे जो आप देख रहे हैं, ये हमने लाइन खींच दी। इसके बाद हमें क्या चाहिए, स्लैब की मोटाई। तो स्लैब की मोटाई हमारा क्वेश्चन में दिया था कि टो एवं हील की मोटाई 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर, यहाँ से 40 सेंटीमीटर स्केल पर चेंज करते हुए चाहे जितना है लगभग 2 के करीब आएगा, तो उतना हम ये खींच लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि दिया था हील की चौड़ाई, क्वेश्चन में दिया था कि जो बेस स्लैब है उसकी हील की चौड़ाई दिया था, हील की लंबाई दिया था, ये हमारी लंबाई है हील की। तो हील की लंबाई दिया था 180 सेंटीमीटर। तो 180 सेंटीमीटर ड्रा कर लेंगे स्केल पर चेंज करते हुए। और हमारा टो की जो लंबाई दिया था वह 0.8 मीटर दिया था, तो उसको भी स्केल पर चेंज करके यहाँ कर खींच लेंगे। उसके बाद जो हमारा गैप बनेगा वह ऑटोमेटिक स्टेम की निचली चौड़ाई के बराबर ही आएगा, क्योंकि यह तीनों का योग ही हमारा बेस स्लैब की पूरी चौड़ाई होती है। इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद हम स्टेम बनाएंगे। तो स्टेम बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि एक यह एकदम वर्टिकल 90 डिग्री पर ये हमारा लाइन है और एक देख रहे हैं कुछ इंक्लाइंड है। तो देखिए 90 डिग्री की जो हमारी लाइन है वो टो की तरफ तब बनाते हैं जब हमारा बैक फिल जो पानी हो वाटर, और ये 90 डिग्री की जो लाइन है हम हील की तरफ तब बनाते हैं जब हमारी सॉयल हो, मतलब जब पानी रहेगा तो ये वाला 90 डिग्री वाला लाइन इधर रहेगा और इंक्लाइंड लाइन इधर रहेगा, और वही जब सॉयल रहेगा तो ये इधर चला जाएगा, ये लाइन इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अब हमें स्टेम की ऊंचाई दी थी कि 3.5 मीटर है, तो टो की तरफ से ये जो बचा कोना है वहाँ से हम 3.5 मीटर की स्केल पर चेंज करते हुए एक लाइन ड्रा कर लेंगे। फिर इसके बाद हम ऊपर देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेम था उसकी ऊपरी चौड़ाई दिया था 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर को हम स्केल पर चेंज कर लेंगे तो हमारा आएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ऐसे ड्रा करने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो निचले वाला पॉइंट है और ऊपला वाला पॉइंट है उसको स्केल की सहायता से हम फ्री हैंड मिला लेंगे जो कि हमारा कुछ तिरछा आएगा। इस तरह से हमारा एक मतलब रिटेनिंग वाल का एक बाहरी एरिया बन गया। अब इसके अंदर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें डाटा में अगर दिया है कि मेन बार, ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये सामने वर्टिकल दिख रहा है, ये हमारी मेन बार है, और जो पॉइंट वाला दिख रहा है इसे डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार जो वाल होता है उसमें हॉरिजेंटली होता है और जो वर्टिकल बार होता है वो मेन बार होता है। तो सबसे पहले हम ये बनाते हैं इसका मेन बार। तो मेन बार बनाने के लिए आप क्वेश्चन में अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो हम जैसे मान ले रहे हैं कि मेन बार की डाया 20 mm है, 20 mm है। तो सबसे पहले हम मेन बार बनाएंगे, और सब ध्यान देने वाली बात है कि हर जगह हम 25 mm का कवर छोड़ देंगे, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर, कहीं हर जगह हम 25 mm का कवर छोड़ते जाएंगे। तो ऊपर से 25 mm स्केल बदलेंगे 1 mm, 1 mm कवर छोड़ते हुए एक हम हुक बनाते हुए एक मेन बार बना लेंगे। ये देखिए यहाँ तक बना लिए। फिर उसके बाद वैसे ही हम इसकी अब MD को अपना तिरछा करेंगे और इसी के इंक्लाइन एक और हुक देते हुए हम मेन बार बना लेंगे। ऐसे यहाँ तक बन गया। इसके बाद हम
अब ये वाला मेन बार बन, ये वाला बार बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो हमारा होता है 16 फाई, आप देख रहे हैं ये 16 फाई या 250 सेंटीमीटर। इनमें से 16 फाई क्या है कि जो हमारा मेन बार का डाया है वो फाई है, तो वो हमारा 40 सेंटीमीटर है। तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वो ले लेंगे या 250 सेंटीमीटर, इन दोनों में जो अधिक होगा वही हम लेंगे। तो आप 16 फाई मान लीजिए अधिक आ रहा है तो वही वाला ये यहाँ से ले लेंगे, यहाँ टिक लगा लेंगे और फिर यहाँ से हुक बनाते हुए एक मेन बार बनाते जाएंगे। 1 mm का गैप देते हुए, मतलब 25 mm का गैप देना है, लेकिन स्केल पर चेंज करेंगे तो 1 mm आएगा। गैप देते हुए यहाँ यहाँ तक हुक बना लेंगे, यहाँ भी हम 25 mm का कवर दे देंगे। ये बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला बनाएंगे। तो नीचे वाला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से हम 30 सेंटीमीटर लेंगे। तो 30 सेंटीमीटर देखिए यहाँ आएगा, तो यहाँ हम ऐसे एक पॉइंट बना लेंगे और फिर यहाँ से हम मेन बार बना हुक बनाते हुए ये ऐसे हुक बना लेंगे। कहाँ तक, यहाँ से 1 mm छोड़ कर, मतलब 25 mm जो हमारा क्लियर कवर है वो स्केल पर चेंज करने के बाद 1 mm आएगा। तो ये हुक बनाकर हम ये बार बना लेंगे। इसके बाद हमें आएगी ये वाला बार बनाने की। तो ये वाला बार बनाने के लिए इसी के हम सीध में लेंगे, लेकिन यहाँ से हम जनरली हम 30 mm का गैप देते हैं। 30 mm का मतलब स्केल पर चेंज करेंगे तो लगभग हमारा जितना है, मतलब यहाँ 1 mm आ रहा है तो यहाँ हम 3 mm ले लेंगे, तो इसका 3 गुना ले लेंगे लगभग। तो यहाँ 3 mm गैप है, तो फिर यहाँ हुक देते हुए बार बनाएंगे और इसको इंक्लाइंड ही मिला देंगे, ऐसे यहाँ ऐसे मिला देंगे। ये हमारा रेनफोर्समेंट बार का रेनफोर्समेंट हो गया। फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार का देखिए अगर क्वेश्चन में दिया है कि इसका डाया कितना है, ठीक है नहीं दिया है तो हम कुछ मान लेना, जैसे 14 mm और या सेंटर टू सेंटर अर्थात दो डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच की दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। तो अभी अब हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन बार देना होगा, तो जैसे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बार स्टार्ट कर रहे हैं देना, यहाँ दिए फिर 1 सेंटीमीटर बाद ऐसे ऐसे सब जगह देते हुए फिर इसको 1 सेंटीमीटर पर डिस्ट्रीब्यूशन बार बनाते हुए, ये हमें दिखेगा नहीं क्योंकि ये हमारा ऐसे बार है। आप देख रहे हैं ये हमारा रिटेनिंग वाल ऐसे खड़ी है, तो ऐसे हमारी बार है। तो जब इसको सामने से देखेंगे तो हमारी केवल उसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा, तो 1 सेंटीमीटर पर दे देंगे। उसके बाद ये वाले सब हम अब 1 सेंटीमीटर ये भी अपना बना लेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार, यहाँ भी नीचे भी सब डिस्ट्रीब्यूशन बार बन गया। अब इसके बाद जो हमारा स्लैब होता है वह ग्राउंड लेवल से जनरली 45 सेंटीमीटर नीचे होता है। तो देखिए 45 सेंटीमीटर स्केल पर चेंज कर लेंगे, जितना आएगा उस पर ग्राउंड लेवल बना देंगे। इसके बाद हम सब चीज़ दर्शा देंगे कि यहाँ ये 3.1 मीटर है, ये हील है, ये टो है। यहाँ अब देखिए यहाँ मेन बार 3 जगह लिखा है कि मेन बार 20 mm 5, मेन बार 20 mm 5, 20 mm 5, लेकिन देखिए एट द रेट सेंटर, जो सेंटर टू सेंटर यहाँ 40 है, यहाँ 20, यहाँ 10। तो इसका मतलब हम आगे जब ये वाला बताएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, हम आगे बता देंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार लिख लेंगे कि 14 mm 5 की है और 25 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ये हम स्टीम दिखा देंगे। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार 16 mm 5। अब देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार 14 mm थी, लेकिन यहाँ 16 mm, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रेशर आएगा ज़्यादा आएगा नीचे, तो इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन बार की कुछ मोटाई जो होती है बढ़ा देते हैं, ऊपर कम करते हैं, क्योंकि कैंटीलीवर में यहाँ हमारा बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आता है, यहाँ कम आता है, इसलिए यहाँ हमारा डाया जो बार रहेगा उसका ज़्यादा रहेगा और यहाँ कम। अब इसके बाद हम इसका एलिवेशन बनाते हैं, ये हाँ एलिवेशन, बैक एलिवेशन बनाते हैं। तो बैक एलिवेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, और एक बात की जो हम आप बताए हैं कि यहाँ सेंटर टू सेंटर हर जगह चेंज हो रही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रेशर आता है ज़्यादा आता है, ऊपर कम आता है, तो ऊपर हमारा कम मतलब रेनफोर्समेंट चाहिए, नीचे ज़्यादा, इसीलिए हम जो नीचे से रेनफोर्समेंट गई होती है उसका कर्टेलमेंट करते हैं, मतलब आधा काट देते हैं कि जितना उपयोग हो उतना ही लगाते हैं, उससे अधिक नहीं देते हैं। तो ऊपर ज़्यादा रेनफोर्समेंट रहेगा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ऊपर रेनफोर्समेंट कम है, उससे फिर ज़्यादा है, फिर नीचे सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर, यहाँ उससे उससे कम, फिर यहाँ उससे कम, इसीलिए। फिर क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे, देख सकते हैं यहाँ ऐसे, फिर ऊपर से भी प्रोजेक्शन ले लेंगे, ऐसे एक हम रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह बना देंगे। अब यहाँ देखिए हम यहाँ कुछ ब्रेक लाइन दिखाए हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जो वाल है इसकी जो लंबाई, ऐसे वाल है हमारी, तो ऐसे वाल है तो ये इसकी लंबाई जो है काफ़ी अधिक जा रही है, तो हम इसको ब्रेक लाइन से दिखा दिए कि ये आगे ऐसे ही बनी है।
तो अब इसका जब हम प्रोजेक्शन ले लेंगे, एक बना लेंगे, फिर यहाँ से हम क्लियर कवर छोड़ देंगे 25 mm का, जो चेंज करेंगे स्केल पर तो 1 mm आएगा, यहाँ से भी वैसे ही छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ये हमारा रेक्टेंगुलर की तरह बन गया। अब हम क्या करेंगे, बार्स बनाएंगे। तो बार्स बनाने के लिए हम पहले वर्टिकल ड्रा करेंगे बार्स, तब हॉरिजॉन्टली, इससे बनाने में आसानी रहती है, लेकिन हम कैसे भी बना सकते हैं। तो हम वर्टिकली बनाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये यहाँ से जब एक यहाँ एक हम जैसे 1 mm दूरी पर एक हल्की सी लाइन जो न दिखे वो यहाँ ऐसे खींच लेंगे, यहाँ से ऐसे बन गया। अब इसके बाद हम ये रेनफोर्समेंट करेंगे। तो ये देखिए पूरी लंबाई तक। अब देखिए यहाँ मेन बार हम लिखे हैं कि ऊपर, ऊपर क्यों लिखे हैं कि ये ऊपर वाला है, मतलब मेन बार जो वर्टिकल बार है उनके बीच की दूरी हमारी कितनी है, एट द रेट 40 cm सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब इन दोनों बार के बीच की दूरी 40 cm है। देखिए सबके बीच की दूरी 40 cm है। तो 40 cm का गैप देते हुए एक देखिए एक यहाँ वर्टिकल ड्रा किए, फिर 40 cm का गैप देते हैं यहाँ ड्रा किए, फिर ये यहाँ ड्रा किए, ऐसे ये वाला पूरा नीचे तक ड्रा करते चले गए। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब जो हमारा कर्टेलमेंट होता है, देखिए वो दो बार होता है। एक होता है कि ऊपर से 0.5 inch क्या है हमारा स्टेम की हाइट, स्टेम की हाइट कितनी दी है 3.5 meters। तो 0.5 से 3.5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आएगा उसको स्केल पे चेंज करेंगे, फिर उतना दूरी पर यहाँ एक हम हल्की सी निशान बना लेंगे पेंसिल से, जो दिखे ना बना लेंगे। अब फिर क्या, अब इसके अब तब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए एट द रेट 20 cm टू सेंटर टू सेंटर लिखा है। तो फिर इन दोनों के बीचों बीच जो हम लाइन ड्रा किए थे कि इतना ही दूरी तक हमारा ये बार जाएगा, तो वहाँ से ऐसे मान लीजिए ये लाइन थी हमारी, अब यहाँ से ऐसे इसको बीचों बीच सबके बीचों बीच ये खींचते जाएंगे, ये हमारा क्या है बार है। फिर इसके बाद जो दूसरा हमारा कर्टेलमेंट होता है 0.75 inch पर होता है, मतलब हाइट का 3/4 भाग पर। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसको हम स्केल पर चेंज करेंगे, और फिर ऊपर से हाइट लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ ऊपर से हाइट लिए, फिर एक हल्की सी लाइन ड्रा कर लेंगे ऐसे। ड्रा करने के बाद अब देखिए जो दो बार बची थी उनके बीचों बीच मतलब 10 cm के गैप पर, देखिए ये 10 cm, ये 10 cm, ये 10 cm, ऐसे करते हुए बार बना देंगे उसी लाइन तक। तो इस तरह से हमारा कर्टेलमेंट होता गया, ये सब ऐसे बना देंगे। अब आप देख सकते हैं इसका मतलब एट द रेट 10 cm सेंटर से, मतलब इन दोनों बार के बीच 10 cm, सब बार के नीचे आप इतना एरिया में देखेंगे तो सभी बार के बीच में 10 cm गैप है, इसके ऊपर इतने एरिया में देखेंगे तो हमारा 20 cm गैप है, इसके ऊपर इतने एरिया में देखेंगे तो हमारा 40 cm गैप है। फिर यहाँ लिख देंगे कि बैक एलिवेशन ऑफ ए स्टीम ऑफ द कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल, और ये था हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।